अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि ऐसे टॉपिक्स को लेके आया जाए जो कि सोशल इश्यूज हैं, जो कि आम घर में लोग फेस करते हैं, जो हर इंसान जो अपनी घरेलू लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में फेस कर रहा होता है। हम हमेशा अपने करियर के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर हम हमेशा ये बात कर लेते हैं कि तरक्की कैसे की जाए, ग्रूमिंग कैसे हो, लेकिन हम अपने रिलेशनशिप ग्रूमिंग को कहीं भूल जाते हैं, जिसमें जो हम नॉर्मली फेस कर रहे होते हैं कि मियां बीवी का रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो, घर में आपस में रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो, फिर जब हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो उनको ओवरकम कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि क्या तरीके हैं जिससे हमने अगर टेरिबल फाइट हो गई है उसको ओवरकम कैसे करना है। तो यही चीज़ आज मैं अपने व्लॉग में बताऊंगी, तो जितने भी नाराज लोग हैं आप उनको मना सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपने पहले सब्सक्राइब करना है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है और अभी आप परेशान हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई एक रिलेशनशिप को मजबूत कर देती है। अगर उसको अच्छे से हैंडल किया जाए, उसमें अकलमंदी का मुजाहरा किया जाए, तो कोई भी लड़ाई हो, जब उसको ओवरकम कर लेते हैं, दोबारा से कपल टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप बहुत बेटर फील करते हो और आपका रिलेशनशिप भी मजबूत हो जाता है, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अगली परेशानी का मुकाबला करते हो। ये हमेशा मैं कहती हूँ कि जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ होते हैं, उनको साथ मिलके किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब क्या चीज़ें हैं, किस तरह से अगर आप एक टेरिबल फाइट में हैं, एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उस पर लड़ाई हो गई है, तो उसके दौरान क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन समझ में आ रही, नॉर्मली क्या होता है क्योंकि अब इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो आप अवॉइड करें कि अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करनी है, कोई बात करनी है, कोई बात बुरी लगी है आपने अगले बंदे को बतानी है, और ऐसी चांसेस हैं ऐसी कन्वर्सेशन के, इससे लड़ाई हो सकती है, तो आप मैसेज पे ना करें, बिल्कुल भी मैसेजेस पे वो ना करें। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे सिनेरियो में हैं, जैसे कि आप कॉल कर सकते हैं, आप थोड़ा सब्र करके, क्योंकि सब्र बड़ा जरूरी है जो कि आवाम में नहीं है, वो ठक करके मैसेज जो है वो फेंक देते हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र कर लें ताकि आप इन पर्सन उस बंदे से मिलें, सामने बिठाएं लाइटर टोन में और अच्छे तरह से वो लाइट टोन में उससे बात करें, उसको समझाने वाले अंदाज में बात करें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम ठक करके मैसेज कर देते हैं, फिर वो अगले बंदे को भी नहीं पता कि आपकी टोन क्या है, क्योंकि मैसेज से टोन पता नहीं चलती है, इस वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। खैर, आपने गलती कर दी, आपने मैसेजेस भेज दिए और हो गई लड़ाई, अब वहां से भी मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ से भी मैसेज आ रहे हैं, सिचुएशन खराब होती जा रही है। उस सिनेरियो में आपने समझाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझाना है, आपने ये करना है एक स्टेप बैक ले लेना है और पीछे हट जाना है उस कन्वर्सेशन से, क्योंकि अगर आप मजीद बोलेंगे, बेशक आप अपने आप को समझा रहे हो या उस इंसान को समझा रहे हो कि देखो मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन उस टाइम पे समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस उस सिनेरियो से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए, ठीक है। अब लड़ाई होगी, आपको पता है कि आपके पार्टनर का भी मूड खराब है, शायद आपका भी मूड खराब है, पर आपने अब करना क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एट द एंड अगर आप किसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं तो आपने उसको सॉर्ट आउट ही करना है। और यहाँ पे मियाँ बीवी के लिए मैं ये एग्जांपल लूंगी कि उनको बहुत जरूरी है कि वो अपने अंदर की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उसको सॉर्ट आउट अकेले में करें, कमरे की हद तक करें, वो बाहर दूसरे लोगों में ना जाने दें, क्योंकि लड़ाई बढ़ जाती है। ये बात यह करना है, आपको दूसरे को भी टाइम देना है, खुद भी टाइम लेना है, फिर आपने सोचना है कि आपसे कहाँ गलती हो गई है। बिलीव मी, आई नो कि ये बहुत मुश्किल है, लोग अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, दूसरों पे ही कीड़े निकाल देते हैं या दूसरों को कहते हैं कि शायद इसने गलत किया है, इसने गलत किया है, लेकिन रिलैक्स हों, ठंडी सांस लें और फिर सोचें कि अच्छा क्या मसला हुआ था, आपसे कहाँ गलती हो गई, क्या नहीं होना चाहिए था। वो सारी सिनेरियो को एक अनबायस्ड आंख से देखें, क्योंकि आप जब अपने आप में रह के और अपने फुटस्टेप में देखेंगे तो आपको अपना मजलूम लगेगा, लेकिन आपने एक तीसरी आंख बन के उस सिनेरियो को देखना है कि अच्छा मेरी गलती कहाँ है, उस बंदे की गलती कहाँ है, मिसकम्युनिकेशन कहाँ हुई है, क्योंकि मोस्टली रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। जब आपने ये कर लिया कि आपने सिनेरियो देख लिया, आपने सोच लिया कि अच्छा यहाँ यहाँ मेरी गलती हुई थी, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, ये बहुत जरूरी है। बिलीव मी, अनाह को तो आपने ऐसे पकड़ना है रिलेशनशिप में और ऐसे साइड पे रख देना है, क्योंकि अनाह जो है वो रिलेशनशिप खराब कर देती है।
आपने अगर अपनी गलती पता लग गई कि अच्छा मेरी गलती है, तो उसमें कोई फायदा नहीं है कि आप अपनी गलती ना माने। अगर आप अपनी गलती मान लें और उस इंसान को बाद में जाके कह दें कि अच्छा मेरी गलती थी और मुझसे गलत हो गया, तो उस इंसान के दिल में भी आपकी इज्जत और प्यार ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी आपने अपनी गलती मान ली, थोड़ा टाइम देना है सिचुएशन को, अगले बंदे को भी ठंडा होने के लिए। फिर आपने देखी कि अच्छा अब सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो गई है, थोड़ा वक्त गुजर गया है। अब मैं फिर से यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियरिटी से कह दूं कि वक्त का मतलब ही बहुत नाजुक चीज होती है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा वक्त गुजार देंगे तो चीजें खराब हो जाती हैं, क्योंकि कुछ आपको इंसान हो सकता है आपका वेट कर रहा हो कि यार ये एक दिन के अंदर अंदर मुझे मैसेज करके मना लेगा, लेकिन आप अभी बैठे हो कि नहीं मैं इसे और वक्त दे देता हूँ और वक्त दे देता हूँ, तो वहां भी मसले मसाइल और क्रिएट हो जाएंगे। तो वक्त देखें कि अच्छा अब आपको कब करना चाहिए, आपको एक दिन बाद करना चाहिए या 24 घंटों में के बाद करना चाहिए या आपको कुछ घंटों के बाद कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी सिचुएशन को आप सॉर्ट आउट कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो जब आप ये रियलाइज कर लेना कि सही वक्त क्या है कम्युनिकेशन करने का, तो उसके बाद कम्युनिकेट करें बहुत पोलाइट लहजे में। पहले उस इंसान से पूछें कि अच्छा मैं बात करना चाहता हूँ, मैं सॉर्ट आउट चीजें करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या मैं बात कर सकता हूँ। अगर वो बंदा ठंडा हो गया है ना, तो वो फिर आपसे बात करेगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर उसे थोड़ा सा टाइम और दे दें। उसके बाद कोशिश करें कि जब आप चीजें सॉर्ट आउट करने की तरफ जा रहे हैं तो वो मैसेज पे ना करें, आप या तो कॉल करें या उसे इन पर्सन मिल के मसले को हल करें। आपने बस ये कहना है, सिंपल सी बात ये कहनी है कि ठीक है मुझे आइडिया हुआ कि मेरी यहाँ गलती है, लेकिन मुझे आपकी भी ये बात बुरी लगी है। उससे क्या होगा कि एक आप आर्ग्यूमेंट से डिस्कशन साइड पे आ जाएंगे और चीजें काफी हद तक बेहतर होती है। उसके बाद जैसे आप उम्मीद रख रहे हैं कि वो इंसान आपकी बात सुने, तो आपने भी उस इंसान की बात लाजमी सुननी है, वरना मसला क्रिएट हो जाता है। वो इंसान को लगता है कि शायद ये मेरी बात नहीं सुन रहा, सिर्फ अपनी सुनाई जा रहा है। तो उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू भी पूरा आराम से खामोशी से सुनें, और जब आप उसकी बात पूरी सुन लें फिर अपनी बात करें, वरना हमेशा की तरह लड़ाई होगी, आर्ग्यूमेंट होगा। तो आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए जरूरी है कि आप सुनें। अब आपको पता लग जाए कि अच्छा प्रॉब्लम कहाँ है, किस हिस्से में प्रॉब्लम है, तो दोनों ने एक साथ मिलके मसले का हल निकालना है, लड़ाई को खत्म करना है, चीजों को सॉर्ट आउट करना है कि ओके हम एक साथ हैं लेकिन मसला यहाँ पे है, ये एक इश्यू है, इसको हम मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। हमेशा किसी भी लड़ाई में, स्पेशली हस्बैंड वाइफ हैं, तो उन्होंने ये नहीं करना कि ऐसे लगे कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। आप एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हैं, आप एक साथ हैं, प्रॉब्लम आपके अगेंस्ट है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है और अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत से रिश्तों में हो जाती हैं, वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वो माँ बाप का रिश्ता है, वो बहन भाई का रिश्ता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप लड़ाई को ख़त्म करके पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें और एक दूसरे का साथ दें। यही जिंदगी है और यही अच्छे रिलेशनशिप की निशानी है और यही लड़ाई को ओवरकम करने का तरीका भी है। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आपने क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, और मुझे दुआ में याद रखना है। थैंक यू।